वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम विद शुमोना के और एक ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग मेरे सभी दोस्तों को और एक बार मेरे चैनल पे। और आज का टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि हमारे लिए आज बहुत ही खास 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 दिन है, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। एक बहुत पुराना जो काम है, ड्रीम है एक्चुअल में, वो पूरा होने जाने वाला है। तो इसलिए सुबह सुबह जितना भी काम है सारा कुछ हो गया है। बस अभी ये 11:30 बजे तक आ जाएंगे, उसके बाद लंच आज जल्दी कर लेंगे, फिर हम निकलेंगे। और अभी मेरा एक ही काम रह गया है, वो है कपड़ा धोना। बस मेरा कपड़ा जो है मैंने 2 दिन नहीं धोया, तो आज मैं मशीन लगा दूंगी और इतने देर में जब तक ये आएंगे तब तक कपड़ा धुल भी जाएगा। साथ ही साथ में ज्योतिका अभी क्लास भी कर रही है, तो उसका क्लास भी ख़त्म हो जाएगा। और इतने खास दिन में आप नहीं हो तो ऐसा हो नहीं सकता, तो इसलिए मैंने सोचा चलिए सुबह से आज का जो ब्लॉग है, मैं थोड़ा सा बिजी तो थी सुबह से, लेकिन मैंने सोचा चलिए आपके साथ ही आज का जो ब्लॉग है वो भी शेयर करते हैं। और मेरा हर खुशी में, मेरी ज़िंदगी की हर खुशी में, गम में आप थे, आप पक्का रहोगे। तो इसलिए आशा करूँगी मैं जितना खुश हूँ उससे आप कई गुना खुश होंगे मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। और मतलब भगवान बोलते हैं ना, सब कुछ ऐसे डिसाइड किया हुआ रहता है कब कौन सा चीज़ कब किस समय होगा, तो ये समय भी शायद तय किया हुआ था पहले से ही, बस हमें उस नक्शे पे ना बस चलना है। तो चलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। रोटी भी बन गया है, ज्योतिका को तो मैंने ब्रेकफास्ट पहले से ही करवा के दिया था, उसका भी नहाना सब कुछ हो गया है। बस मैंने थोड़ा सा चाय बनाई है और आज ना दूध वाला चाय पीऊँगी। कभी कभी ना मन होता है कि पीने के लिए, और मेरी मम्मी क्या करती है ना, ऐसे ना रोटी बनाती है और रोटी के साथ ना दूध वाला जो चाय है ना वो साथ में रोल करके लेती है। वैसे तो मैं जब घर जाती हूँ ना तो मम्मी के साथ मैं भी ऐसे चाय बना के ना रोल करके रोटी को फिर खाती हूँ। तो मैंने सोचा चलिए मम्मी की तरह आज ट्राई करते हैं, और बहुत दिन हो गया दूध वाला चाय भी नहीं पिया मैंने, तो पीना भी हो जाएगा। गंदी बात। अच्छा लगता है एप्पल अच्छा लगता है? अब नहीं देना है, अब नहीं खाना। बहुत तेज भूख लगी थी, बहुत तेज। सिंगल वैसे कई मेरे फ्रेंड्स कमेंट्स कर रहे थे कि दीदी ऐसे पंछियों को पिंजरे में बंद करके रखना अच्छा नहीं होता है। एक्चुअल में मैं भी, अगर मेरा विश्वास करोगे आप, मैं भी बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ किसी को भी पिंजरे में बंद करके रखना। और इनका फेस देख के तो मुझे बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लगेगा, इतने भोले इतने मासूम है ये। मेरी बेटी भी पसंद करती है लेकिन मैंने आज तक नहीं रखने दिया उनको भी। तो ये भैया का है, वो छुट्टी गए तो मुझे देकर गए, तो मैं इनको संभाल रही हूँ बस, और कुछ नहीं है। तो आप बुरा मत मानिएगा। वेरी गुड आफ्टरनून, अभी टाइम हो रहा है 12:30 अराउंड ऑफ, और अभी हम लोग आए हैं शोरूम में, दिख रहा है आपको टाटा नेक्सॉन टाटा के शोरूम में। और आज कुछ प्लानिंग तो है लेकर जाने की, वैसे तो प्लानिंग हो ही जाता है, आपको तो पता है कि पेमेंट वगैरह सब कुछ क्लियर हो चुका है। बस अभी ज्योतिका बहुत खुश है, बस एक कमी है जो बहुत ज़्यादा बड़ा कमी है, वो है मम्मी। बहुत, अगर मम्मी होती तो बहुत खुश होती, और मम्मी नहीं है तो इसकी बहुत ज़्यादा दुख है। लेकिन ठीक है, जो हो रहा है अच्छे के लिए होता है बोलते हैं, लेकिन पता नहीं बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। और मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग में मम्मी, स्पेशल दिनों में मम्मी फ़ोन करेगी और विश करेगी, और इस बार वो चीज़ बहुत मिस कर रही थी मैं, मेरे बहुत ज़्यादा खालीपन, बहुत ज़्यादा खालीपन। तो अभी कुछ देर में
टाइम हो जाएगा अंदर जाने, मैंने सोचा ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और बस कागज़ जो है वो डॉक्यूमेंट वगैरह देख रहे हैं ये, और मैं और रितिका बाहर हूँ। हाँ, और रितिका बहुत ज़्यादा खुश है, गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है हमें। हाँ क्या, कुछ भी नहीं बोल रहे एट लास्ट में मिल गया, एट लास्ट में मिल गया अल्टीमेटली। देखते हैं अभी, वैसे तो देख कर गए थे इन लोग सब कुछ, बट यहाँ पर भी फॉर्मेलिटी होती है, बहुत सारा फॉर्मेलिटी होती है, वही अभी पता चल रहा है। टाइम तो बहुत ज़्यादा लगती है यहाँ पर, तो चलिए देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। और ये है हमारा गाड़ी जो अभी ढका हुआ है, थोड़ी देर बाद ही जब टाइम होगा तब करेंगे इसको, खोलेंगे और आप सभी को भी दिखाएंगे। तब तक सरप्राइज़ रहेगा, पता नहीं, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब अलग ही फीलिंग हो रही है। और इसके लिए बहुत इंतज़ार किया था, बहुत 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 देर इंतज़ार किया था। अल्टीमेटली बोलते हैं ना, सफ़र का फल मीठा होता है, सच में मीठा होता है। और यहाँ पर रितिका एंड उसके पापा, सारी जो फॉर्मेलिटी है ना, कागज़ मैं बोल रही थी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो यहाँ पर हो रही हैं तैयार। और ये विजुअल दिखा रहे हैं वो स्क्रीन पे, जो पहले लिए हुए थे उनका वीडियो चल रहा है स्क्रीन पे। तो चलिए थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं, उसके बाद आपको भी दिखाते हैं। जल्दी से बताइए गाड़ी आप सभी को कैसा लगा, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आप सभी से सुनने के लिए, क्योंकि आपने हमेशा हमेशा मेरा साथ दिया है, हर वक्त साथ दिया है कोई भी काम में। और प्लीज़ आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एक्चुअल में ये कलर लेके मुझे थोड़ा सा डाउट था, लेकिन मुझे स्पेशली ये कलर बहुत अच्छा लगा। आप ज़रूर बताइएगा हमारी गाड़ी आपको कैसी लगी। और हाँ, ये गाड़ी का नाम है टाटा नेक्सॉन, और ये हमारी ड्रीम कार आप बोल सकते हो, बहुत दिनों का, मतलब ये बहुत दिनों का ख्वाहिश था और ये गाड़ी की ज़रूरत थी, और अल्टीमेटली हमने ले लिया है। और उसमें से अगर आप बता दें कि कैसा लगा आप सभी को, तो मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगेगा, और बस यही बोलना चाहूँगी। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल अभी हम घर जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा काम बाकी है, नंबर प्लेट वगैरह लगेगी अभी भी, तो चलिए वो लगा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलती हूँ मैं आपसे। चलिए निकल रही है हमारी गाड़ी, अब घर जाएंगे सीधा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर नंबर प्लेट जो है ना गाड़ी का, वो लगेगा, छोटा मोटा थोड़ा काम है वो होगा, उसके बाद ही जाएंगे, बस निकलेंगे हम लोग। और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं अब गाड़ी में जाएंगे घर, इसलिए एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे से भी ज़्यादा दीदी का एक्साइटेड है।
तो यहाँ पर गाड़ी की जो नंबर प्लेट है ना वो लगाई जा रही है, इसके बाद ही हम निकलेंगे। और मुझे तो गाड़ी सीखे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे तो कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं है। और इनको इन्होंने अच्छे से सिखा है लेकिन इनको चलाना नहीं है क्योंकि ये नया गाड़ी है, इसलिए कौन लेकर जाएगा हमें घर। भैया आए हैं तो वो ही लेकर जाएंगे चला के। तो बस ये नंबर प्लेट का काम जो है ये हो जाए उसके बाद जस्ट हम निकलेंगे। हमें लगा था बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि हम जल्दी आए थे, लेकिन अल्टीमेटली अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहा है, तो काफ़ी टाइम लग गया है। यहाँ पर हम रुके हैं और ये जो गाड़ी का नेक्सॉन का बैच है ना वो सामने हम लगा रहे थे, क्योंकि इससे पहले हमने एक गाड़ी देखा था जिस पे ये बैच लगा हुआ था। और अभी टाइम हो रहा है करीबन 4:30 बज गया है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करवाएंगे, सीट कवर वगैरह बाद में लगाएंगे किसी दिन आने के बाद। बस ये बैच जो है ना ये लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम देखे थे तो वो बहुत अच्छा लगा था, तो ये बैच लगा लेंगे नेक्सॉन का सामने। और बस स्टीयरिंग का जब है ना कवर लगा लेंगे एक, बस ये 2 काम करवाएंगे और जो काम है पेंटिंग वो बाद में होता रहेगा। तो हो गया है अल्टीमेटली, बस एन बचा हुआ है, इसको जब हटाएंगे ना तब इसका लुक पता चलेगा। तो हो गया है, लग गई है बैच और काफ़ी अच्छा लग रहा है, हो गया है काम। तो चलिए अब घर चलते हैं और आज का ब्लॉग फिर मैं यहीं पर एंड करती हूँ। फिर कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। आशा करूँगी आप सभी को आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा गाड़ी हमारा कैसा लगा, आपका कमेंट्स बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।